even today the Lord is giving you a wonderful promise from Deuteronomy 4:7. आज भी परमेश्वर आपको एक बेहतरीन प्रतिज्ञा वचन दे रहे हैं जो व्यवस्था विवरण 4:7 में पाया जाता है। What other nation is so great as to have their gods near them the way the Lord our God is near us whenever we pray to him। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जबकि हम उसको पुकारते हैं। Yes, the Lord was with the Israelites. He was so close to them. जी हाँ, परमेश्वर इस्राएलियों के साथ थे, वो उनके बहुत ही करीब थे। As in Numbers 23:21, the Lord, their God, is with them. The shout of the king is among them, says the word of God. परमेश्वर की वचन गिनती 23 उसका 21 में ऐसा कहती है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। As in Zephaniah 3:15, the king of Israel was in the midst of them. सफनिया 3:15 के अनुसार इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच है। The same God says to you also that he will be so close to you whenever you pray to him. वही परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, जब भी आप प्रार्थना करेंगे वो आपके बहुत ही समीप आएंगे। What a privilege it is to have God so close to us whenever we look unto him. जब भी हम उनकी ओर निहारते हैं, ये हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात होता है, वो हमारे बहुत करीब रहते हैं। Today, Lord Jesus is given to us to be close to us. आज प्रभु यीशु हमको दिया गया ताकि वो हमसे बहुत ही करीब रह सकें। Because his name is Emmanuel, which means God with us. क्योंकि उनका नाम है इम्मानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग संग हैं। एंड आल्सो द लॉर्ड हैज गिवन यू द होली स्पिरिट टू बी इनसाइड यू। और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिए हैं जो आपके अंदर रहेंगे। एज इन रोमन्स 5:5 गॉड्स लव हैज बीन पोर्ड आउट इनटू योर हार्ट थ्रू द होली स्पिरिट। जैसे कि रोमियो 5:5 में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। What a privilege it is to have God and Jesus and the Holy Spirit so close to us. ये हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारे बहुत ही करीब रहते हैं। May the Lord be so close to you and hear all your prayers. परमेश्वर आपका भी बहुत समीप रहे और आपके सारे प्रार्थनाओं को सुने। लविंग लॉर्ड जीसस फादर एज योर चिल्ड्रन आर लॉन्गिंग टू हैव यू सो क्लोज टू देम। प्रेमी प्रभु यीशु आपके बच्चे आपके समीप रहने के लिए बहुत ही आशा लगा के रखे। फादर फिल देम विद योर अनॉइंटिंग लॉर्ड। पिता अपने अभिषेक से उनको आप भर डालें। लॉर्ड व्हाट अदर नेशन हैव दिस प्रिविलेज टू हैव द होली स्पिरिट विद इन देम लॉर्ड। पिता कौन से ऐसे देश को ये सौभाग्य मिला है कि पवित्र आत्मा उनमें वास करें। बट यू हैव गिवन योर चिल्ड्रन द प्रिविलेज टू हैव यू सो क्लोज टू देम। लेकिन आप अपने बच्चों को ये विशेष अधिकार दिए हैं ताकि वो आपके करीब रह सकें। फादर होली स्पिरिट फिल द मोर विद योर अनॉइंटिंग। पिता पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से उनको और आप भर डालें। Let them have the privilege of listening to your voice. वो आपके आवाज सुनने का विशेष अधिकार प्राप्त करें। Let them have the privilege of seeing you face to face. वो आपको आमने सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। Father, let them have the privilege of performing miracles through the Holy Spirit, Lord. पिता पवित्र आत्मा के माध्यम से उनके संग संग जो लोग हैं उनके लिए चमत्कार करने का विशेष अधिकार आप दें। Father, more and more let your anointing be poured upon your people. पिता आपके लोगों के ऊपर आपके अधिक से अधिक अभिषेक उंडेला जाए। Let your love and compassion fill their hearts. पिता उनके हृदय को आपके प्रेम और तरस भर डालें। Let them feel the nearness of you, Master. पिता वो अपने जीवन में आपसे करीब होने का अनुभव को महसूस करें। Lord, thank you for filling them even now, Lord. पिता अभी भी आप उनको भर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। Let your fresh anointing come upon them, Lord. पिता आपके ताजा अभिषेक उनके ऊपर उतार आए प्रभु। Help them to accomplish everything
by the power of the Holy Spirit. पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लें. Let your people have success. Let your people have victory. पिता आपके लोगों को महान सफलता और महान विजय मिले. Bless them, O Lord. पिता आप उनको आशीष दें. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. God bless you, friends. मित्रों परमेश्वर आपको आशीष दें.